तो आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में, मतलब जो सिंथेटिक फाइबर है वो होता क्या है। तो एक तो होता है सिंथेटिक फाइबर और एक होता है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर का मतलब जो हमें किसी प्लांट से या फिर किसी एनिमल से मिला है, और सिंथेटिक फाइबर का मतलब जिन्हें हम ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है, जो हमें किसी प्लांट से या फिर किसी एनिमल से नहीं मिला। फाइबर मीन्स कोई एक कपड़ा। तो ऐसे कोई कपड़ा, हमें प्लांट से और एनिमल से कपड़ा तो नहीं मिलता, लेकिन हमें उस धागे को बनाने के लिए कोई ना कोई मटेरियल मिल जाता है। जैसे प्लांट से हमें धागा बनाने के लिए क्या मिल जाता है, वूल मिल जाता है। तो ऐसे हमें प्लांट से या फिर एनिमल से कपड़ा तो नहीं मिलता, लेकिन धागा बनाने के लिए कोई ना कोई मटेरियल मिल जाता है। तो पहले बात करते हैं, चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर, मतलब इसमें जिसे हम ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं उन फाइबर की हम बात करने वाले हैं। तो सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड फाइबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसे हम ह्यूमन बीइंग्स ने ही तो बनाया है, तो उसे हम मैन मेड फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर भी बोल दो, मैन मेड फाइबर भी बोल दो और आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल दो, दोनों तीनों एक ही बात होती है। अब नेचुरल पॉलीमर होता है सेल्यूलोज। अब ये पॉलीमर क्या होता है, एक होता है पॉलीमर, एक होता है मोनोमर और एक होता है डाइमर। तो हमारे चैप्टर में पॉलीमर और मोनोमर है, तो हम इन दोनों की ही बात करेंगे। मोनो मीन्स वन और मर मीन्स यूनिट। मोनो मीन्स वन, मर मीन्स यूनिट, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। तो अब ये मैनी यूनिट और वन यूनिट क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक नेकलेस है, तो उस नेकलेस के अंदर जो ये एक बीड होता है, बीड मतलब मोती, कोई मोतियों से बना हुआ कोई एक नेकलेस है, तो उस नेकलेस के अंदर ऐसे हम मोती डालते जाते हैं किसी एक धागे के अंदर। एक धागे के अंदर जो भी बीड्स होते हैं, जो भी मोती होते हैं, उनको डालते जाते हैं और बाद में एक लास्ट में जाके एक नेकलेस बनता है। तो जो मोती होता है, एक मोती होता है, उसे हम मोनोमर बोलते हैं। जो एक बीड होता है उसे हम मोनोमर बोलते हैं, और जब वो मोनोमर को जोड़ जोड़ के कोई एक पूरा नेकलेस बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। जब एक बीड होता है, एक मोती होता है, तो उसे हम मोनोमर बोलते हैं। जब बीड्स को जॉइन कर करके एक नेकलेस बन जाता है तो उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर, जो नेचुरल पॉलीमर है वो क्या होता है, वो सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज बहुत सारे पॉलीमर्स को मिलके बना होता है। तो जो एक मोनोमर होता है, सेल्यूलोज बहुत सारे पॉलीमर से मिलके बना होता है। तो पॉलीमर भी किसी ना किसी से तो बने हुए, कोई एक सिंगल यूनिट तो है उसके अंदर। तो जो सेल्यूलोज होता है वो ग्लूकोज से बना होता है। जो उसका एक मोनोमर होता है, मोनोमर क्या होता है, सेल्यूलोज का ग्लूकोज, और जब बहुत सारे ग्लूकोज जॉइंट होके जो सेल्यूलोज बनाते हैं, तो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझ लिया कि सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड भी फाइबर भी बोलते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं। मोनोमर की बात कर ली, पॉलीमर की बात कर ली। एक होता है डाइमर, इसका तो मोनोमर का मतलब वन यूनिट, डाइमर का मतलब टू यूनिट, और पॉलीमर का मतलब मैनी यूनिट। तो हमने मोनोमर, पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर की बात कर ली। नेचुरल पॉलीमर सेल्यूलोज होता है, उसका जो एक सिंगल यूनिट होता है, जो सेल्यूलोज है वो किससे मिलके बना होता है, वो ग्लूकोज से मिलके बना होता है। एक मोनोमर जो होता है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, और ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के सेल्यूलोज बनता है, और ये कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। तो ये था इस चैप्टर को का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बात करेंगे, तो अब हम बात कर लेते हैं रेयोन की। जो भी एक तो होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। तो हमने बात कर ली थी नेचुरल फाइबर जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलता है। तो नेचुरल फाइबर की एग्जांपल क्या है, जैसे वूल, कॉटन, जूट, कोयर, ये सभी जो होते हैं ये नेचुरल फाइबर होते हैं। और सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं,
सिंथेटिक फाइबर मतलब जिन्हें हम ह्यूमन बींग्स ने बना है, तो सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स ने रेयन, नाइलोन, पॉलिस्टर ये सभी ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। तो हम इस चैप्टर के अंदर किस किस की बात करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम रेयन, नाइलोन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक की बात करने वाले हैं। तो पहले हम रेयन की बात कर लेते हैं। तो रेयन जो है इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। तो इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले जो था सिल्क कहाँ पे डिस्कवर किया गया था, सिल्क चाइना के अंदर डिस्कवर किया गया था। तो चाइना के अंदर जो पीपल थे वो उसको राज ही रखना चाहते थे कि हमारे पास सिल्क भी है, सिल्क की कोई एक ड्रेस भी है। तो चाइना वाले इसको राज रखना चाहते थे, लेकिन एक बार चाइना के बाहर भी किसी को पता चल गया कि चाइना के अंदर सिल्क है, और जो सिल्क होता था उसकी टेक्सचर जो होती थी, मतलब वो सिल्क इतनी अच्छी तरह से बनाया हुआ होता था और इसकी जो बनावट होती थी वो इतनी सुंदर होती थी कि सभी लोग सिल्क को पहनना पसंद करती थी। लेकिन चाइना तो किसी को देती नहीं थी सिल्क, और जो सिल्क की डिमांड थी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हमें भी कुछ सिल्क जैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो पीपल्स की डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए कुछ तो सिल्क जैसा बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने रेयन को डिस्कवर किया। रेयन कब डिस्कवर किया गया था, टुवार्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। जो 19th सेंचुरी है उसके एंड के अंदर रेयन को डिस्कवर किया गया था। साइंटिस्ट वर एबल टू क्रिएट समथिंग सिमिलर टू सिल्क। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, सिल्क के जैसा ही कोई एक कपड़ा बना दिया जिसे हम रेयन बोलते हैं। साइंटिस्ट वर एबल टू क्रिएट समथिंग सिमिलर टू सिल्क। सिल्क के जैसा बनाने में साइंटिस्ट लोग क्या हो गए, सफल हो गए। उन्होंने सिल्क के जैसा कोई एक कपड़ा बना दिया। अब हमने तो बात कर ली कि रेयन जो है वो डिस्कवर किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सिल्क की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और वो उन्होंने सिल्क के जैसा कोई एक कपड़ा बना दिया जिसे हम रेयन बोलते हैं। इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं वो पता चल गया, सिल्क की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये रेयन को डिस्कवर किया गया था। ये किससे बनता है, ये वुड पल्प एंड केमिकल्स। वुड पल्प से हमारे पेपर भी बनते हैं, तो वुड पल्प और केमिकल्स से ये रेयन बनता है। चीपर देन सिल्क। ये जो सिल्क होता है ये बहुत महंगा होता है, क्योंकि दिखती बात है अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिक ही उसके जो प्राइस है वो भी बढ़ जाती है। तो पूरी दुनिया के अंदर सिल्क की डिमांड बढ़ रही थी, तो अगर कोई बोलता है कि मैं किसी एक ड्रेस के 500 रुपये दूंगा, तो उसका अपोनेंट वाला दूसरा बोलता है कि मैं 700 रुपये दूंगा, तो क्या होता है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। तो सिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और वो जो सिल्क है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन जो रेयन है वो इतना महंगा नहीं होता, वो चीपर होता है, ये सिल्क से भी चीपर होता है। और इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं रेयन के, मॉडल, वाइस्कोस और लियोसेल, मॉडल, वाइस्कोस, ये सभी टाइप्स हैं रेयन के। तो हमने बात कर ली रेयन के बारे में, अब हम बात करेंगे नाइलोन के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं नाइलोन की। तो नाइलोन कब डिस्कवर किया गया था, इन 1931 नाइलोन वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। तो नाइलोन 1931 के अंदर प्रिपेयर किया गया था किससे, कोल से, वाटर से और एयर से। तो जब ये कोल से, वाटर से और एयर से डिस्कवर किया गया था, मतलब ये कोल से, एयर से और वाटर से बना था, तब तो इसे नेचुरल फाइबर बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो फुली सिंथेटिक फाइबर बोला है। मैंने बोला था कि नेचुरल फाइबर वही होते हैं जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, लेकिन ये जो नाइलोन है ये हमें कोल से, वाटर से और एयर से मिलता है, इसीलिए ये नेचुरल फाइबर नहीं है। ये जो नाइलोन है ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। लेकिन हमने तो रेयन की भी बात की थी, जो रेयन होता है वो सेमी सिंथेटिक होता है, मतलब वो वुड पल्प से बनता है। तो वुड पल्प हमें किससे मिलता है, वुड पल्प हमें प्लांट से मिलता है,
वुड पल्प, हमें जो वुड पल्प होता है वो हमें प्लांट से ही मिलता है, और जो प्लांट से और हमें एनिमल से मिलता है उसे हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। तो उसके अंदर आधी प्रॉपर्टीज़ तो रेयन की बात करूँ मैं, रेयन के अंदर आधी प्रॉपर्टीज़ तो किसकी थी, नेचुरल फाइबर की, और आधी सिंथेटिक फाइबर की, इसीलिए रेयन को सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। लेकिन जो नाइलॉन है ये फुली सिंथेटिक होता है। 1931 के अंदर ये डिस्कवर किया गया था। ये कोल से, वाटर से और एयर से मिलकर बना होता है। द अमेरिकन कंपनी ड्यूपॉन्ट इंट्रोड्यूस नाइलॉन टू द वर्ल्ड। 1931 के अंदर ड्यूपॉन्ट कंपनी है एक, कहाँ की, अमेरिका की। तो अमेरिकन ड्यूपॉन्ट कंपनी ने नाइलॉन को डिस्कवर किया था। अब नाइलॉन की हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये जो नाइलॉन होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही मजबूत होता है, ये अच्छे से ज़्यादा जल्दी टूटता नहीं है। इलास्टिक एंड लाइट, ये बहुत ही हल्का भी होता है। जो वूल के स्वेटर्स, कोट्स, वूल के जो भी मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उनका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो नाइलॉन है उसका वेट बहुत लाइट होता है, वो बहुत हल्का होता है। और जो रेयन है वो लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, वो चमकीला भी होता है और आसानी से वॉश भी हो जाता है। हमारे जो भी सॉक्स होते हैं, पैराशूट्स, अम्ब्रेला, रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग आर मेड फ्रॉम इट। जो भी सॉक्स होते हैं और जो भी पैराशूट के लिए हमें वो मजबूत चाहिए होता है, तो जो नाइलॉन है ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए पैराशूट्स के लिए भी नाइलॉन का यूज़ किया जाता है। अम्ब्रेला, रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, और जब हम रॉक की क्लाइंबिंग करते हैं तब भी रॉप की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो रॉप होती है वो भी हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। तो नाइलॉन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए रॉक की क्लाइंबिंग करने वाले जो भी पीपल होते हैं वो नाइलॉन की रॉप का यूज़ करते हैं। तो रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग आर मेड फ्रॉम इट, ये सभी चीज़ें बनती हैं नाइलॉन से। तो हमने रेयन की बात कर ली, नाइलॉन की बात कर ली, अब हम पॉलिएस्टर की बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं पॉलिएस्टर की। तो हमने रेयन की बात कर ली और नाइलॉन की भी बात कर ली, अब हम पॉलिएस्टर की बात कर लेते हैं। तो पॉलिएस्टर जो है वो पॉली प्लस एस्टर से मिलके बना है। पॉली मतलब मैनी, एस्टर क्या है, कोई एक केमिकल है। तो जब बहुत सारे केमिकल्स मिलके, बहुत सारे एस्टर नाम के केमिकल्स मिलके पॉलिएस्टर को बनाते हैं। इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कार्ड एंड एस्टर। एस्टर की रिपीटिंग यूनिट्स मतलब बहुत सारे एस्टर मिलके पॉलिएस्टर को बनाते हैं। एस्टर आर दोज फ्रूट्स दे स्मेल। अब ये एस्टर क्या होती हैं, एस्टर जो होती हैं वो मान लो कोई एक ग्रास है उसके अंदर से मान लो एप्पल की स्मेल आ रही है, मतलब ये पॉलिएस्टर की ड्रेस है। तो एस्टर जो है वो किसी भी कपड़े को क्या कर देते हैं, फ्रूटी कर देते हैं, मतलब उस ड्रेस के फ्रूट जैसी स्मेल आने लग जाती है। किसी हमने कभी स्मेल को महसूस किया होगा कि किसी ड्रेस की येल्लो कलर, किसी ड्रेस की एप्पल जैसी स्मेल आती है, बनाना जैसी स्मेल आती है किसी ड्रेस के अंदर, मतलब वो जो ड्रेस है वो पॉलिएस्टर की है। जो बहुत सारी इस्टर नेम के केमिकल से मिलके बनी हुई है। इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड पेट्रोलियम। और जो पॉलिएस्टर है वो किस से मिलके बना होता है, वो कोल से, वाटर से और पेट्रोलियम से मिलके बना होता है। तो इसे भी हम नेचुरल फाइबर नहीं बोल सकते, क्योंकि नेचुरल फाइबर वही होते हैं जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। लेकिन ये जो कोल, वाटर और पेट्रोलियम है ये ना तो हमें प्लांट से मिलते हैं और ना ही हमें एनिमल से मिलते हैं। अब इसके कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इट इज़ व्रिंकल फ्री, मतलब ये व्रिंकल फ्री होता है। हमने कुछ ड्रेसेस के अंदर देखा होगा, या फिर अगर हम स्कूल के अंदर जाते हैं तो जब हम स्कूल के अंदर जाते हैं तो हमें हमारे शर्ट को आयरन करना पड़ता है, लेकिन जो पॉलिएस्टर है उसकी ड्रेस को हमें आयरन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो व्रिंकल फ्री होती है। उसे हम आयरन नहीं करें तो भी उसके अंदर व्रिंकल्स नहीं रहते, वो व्रिंकल्स फ्री होती है। मतलब व्रिंकल को हम झुर्रियाँ बोलते हैं, तो उसके अंदर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। ये इजीली वॉश भी हो जाता है, जो पॉलिएस्टर है वो इजीली वॉश हो जाता है।
टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर। जो टेरिलीन है ये एक पॉपुलर पॉलिस्टर, मतलब जो टेरिलीन है वो ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। तो हमने पॉलिस्टर की बात कर ली। तो इस वीडियो में हमने किसके बारे में जाना, इस वीडियो के अंदर हमने नायलॉन के बारे में, पॉलिस्टर के बारे में और हमने किसके बारे में जान लिया, पॉलिस्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। पॉलिस्टर को मतलब जो पॉली प्लस इस्टर से मिलके बना हो, पॉली मीन्स मैनी, इस्टर एक केमिकल है जिसकी फ्रूटी लाइक स्मेल होती है, ये व्रिंकल फ्री होता है, ये इजीली वॉश हो जाता है। और जो टेरिलीन है ये पॉपुलर पॉलिस्टर। और नायलॉन, नायलॉन स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत लाइट होता है, वो बहुत लस्ट्रस होता है और वो इजीली वॉश भी हो जाता है। तो जो हमारे रॉक क्लाइंबिंग होते हैं, जो पैराशूट्स होते हैं, वो सभी नायलॉन से मिलके बने होते हैं। 1931 के अंदर नायलॉन को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा जिसका नेम है ड्यूपॉन्ट। और जो नायलॉन जो है वो किससे मिलके, कोल से, एयर से और वाटर से मिलके बना होता है, जबकि ये कोल से, वाटर से और पेट्रोलियम से मिलके बना होता है। और रेयॉन जो है उसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, क्योंकि वो सिल्क की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही रेयॉन को इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था, 19th सेंचुरी के एंड में। और हमने ये भी जान लिया कि नेचुरल फाइबर क्या होता है और आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन द कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू।